हेलो गाइस एंड वेलकम टू डीबी टेक्निकल वर्ल्ड। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 के बारे में। मैं जो आज आपसे बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाला हूं वो 20,000 के अंदर आने वाले बेस्ट बजटेड फोन्स हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना गाइस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा सैमसंग के M31 की और स्टार्ट करेंगे हम डिस्प्ले से। डिस्प्ले आपको मिल जाती है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोल्ड डिस्प्ले। साथ में आपको मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। यहाँ मिल जाता है आपको एक्सिनस का 9, एंड्रॉयड वर्जन 10, One UI 2 एंड गाइज आपको ये दो वेरियंट्स में देखने को मिलता है। वहीं गाइज अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की तो आपको मिल जाती है 6000 MHz की 15 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। और गाइज अगर मैं बात करूँ इसके कैमरे की तो कैमरे आपको मिल जाता है इसमें क्वाड कोर 64 MP का वाइड एंगल कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो एंड 5 MP का डेप्थ सेंसर। साथ में आपको मिल जाती है LED फ्लैश एंड वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे HD एंड 4K दोनों में। वहीं गाइज आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है 32 MP का वाइड एंगल कैमरा। और गाइज अगर मैं इसकी मार्केट प्राइस की बात करूँ तो आपको ये मिल जाता है 16,500 की रेंज में। गाइज अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फोन की जो कि है हमारा रियलमी का 6 प्रो। गाइज अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो डिस्प्ले आपको मिलती है IPS LCD डिस्प्ले। स्क्रीन साइज आपको मिलता है 6.6 इंचेस का। रेजोल्यूशंस मिलते हैं फुल HD प्लस, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन एंड 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर की तो प्रोसेसर आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G, एंड्रॉयड वर्जन 10, Realme UI इंटरफेस एंड आपको ये दो कॉन्फ़िगरेशंस में देखने को मिलता है। अब बात आती है बैटरी की तो बैटरी आपको मिलती है 4300 MHz की 40 वॉट्स के वूक चार्जर के साथ। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की तो कैमरा आपको मिलता है यहाँ पे क्वाड कैमरा 64 MP का वाइड एंगल कैमरा, 12 MP का टेलीफोटो, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का मैक्रो। साथ में आपको मिल जाती है LED फ्लैश एंड वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K एंड HD दोनों में। और गाइज अगर फ्रंट कैम की बात करूं तो फ्रंट कैम आपको मिल जाता है डुअल कैमरा 16 MP का वाइड एंगल एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड। तो गाइज अगर बात करूं इसके मार्केट प्राइस की तो ये आपको मिल जाता है लगभग 18,000 रुपये की रेंज में। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की जो कि है हमारा रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। इसमें भी पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले का साइज आपको मिलता है 6.67 इंचेस का। रेजोल्यूशन मिलते हैं फुल HD प्लस। आपको LCD IPS डिस्प्ले पैनल मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। फिर बात करें अगर प्रोसेसर की तो प्रोसेसर आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G, एंड्रॉयड वर्जन 10, MIUI 11 एंड ये भी आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। और अगर बात करूं मैं बैटरी की तो बैटरी आपको मिलती है 5020 MHz की 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। वहीं बात करें अगर कैमरे की तो कैमरा आपको मिलता है यहाँ पे क्वाड कैमरा 64 MP का वाइड एंगल कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर। साथ में आपको मिल जाती है LED फ्लैश। वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 4K एंड HD में दोनों में। और वहीं फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा 32 MP का वाइड एंगल कैमरा। और गाइस बात करूं इसके प्राइस की तो प्राइस आपको मिल जाता है लगभग 17,000 रुपये की रेंज में, जिसमें आपको ये कुछ एडिशनल फीचर्स और मिल जाते हैं। लाइक आपको इसके अंदर IR सेंसर मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, ट्रिपल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। गाइज मैं अब बात करूंगा अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की जो कि है रियलमी का X2। यहाँ मैं पहले बात करूंगा इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर आपको मिलता है क्वालकॉम का 730G, एंड्रॉयड 9 मिलता है बट ये अपग्रेडेबल है वर्जन 10 के लिए। रियलमी का UI इंटरफेस एंड ये भी आपको दो कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले साइज मिलेगा आपको 6.4 इंचेस का। रेजोल्यूशंस मिलेंगे आपको फुल HD प्लस। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको और डिस्प्ले आपको मिलती है सुपर एमोल्ड डिस्प्ले। बात आती है बैटरी की तो बैटरी आपको मिलेगी 4000 MHz की 30 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। और अगर गाइस बात करें कैमरे की तो यहाँ भी आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, 64 MP का वाइड एंगल कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर। वहीं फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 32 MP का वाइड एंगल कैमरा। और गाइज वहीं बात करूं अगर मैं प्राइस की तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 18,000 रुपये की रेंज में। अब मैं बात करता हूं अपने लास्ट स्मार्टफोन की जो कि है हमारा मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस।
इसमें अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले साइज आपको मिलेगा 6.5 इंचेस का, IPS LCD पैनल डिस्प्ले मिलती है आपको, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशंस मिल जाते हैं। वहीं बात करूं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 730G Android वर्जन 10, एंड ये आपको मिलता है 6GB एंड 128GB की कॉन्फ़िगरेशन में। और बात करें अगर बैटरी की, तो बैटरी मिलेगी 5000 MHz की 15 वॉट के चार्जर के साथ। इसमें गाइस लास्ट बात कर लेते हैं कैमरे की, तो कैमरा आपको मिलता है यहाँ पे क्वाड कैमरा, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। साथ में है LED फ्लैश एंड 4K एंड HD का वीडियो सपोर्ट। वहीं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और सबसे बड़ी बात इसमें आपको मिल जाएगा पॉपअप कैमरा गाइस। इस फोन का आपको प्राइस मिलता है लगभग 17,000 रुपए की रेंज में। इस प्राइस में गाइज आप इसको सस्ता फ्लैगशिप कह सकते हैं। गाइज मैंने आपको बताया है ये 5 स्मार्टफोन्स जो अपने अपने ब्रांड्स के बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं। इन सारे स्मार्टफोन्स में आपको प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। और वहीं अगर बात करें गेमिंग की, तो आपको गेमिंग सब में ऑलमोस्ट हाई रेजोल्यूशन पे देखने को मिलती है। तो आपको बैटरी का कोई इशू नहीं आएगा, लैकनेस का कोई इशू नहीं आएगा। वहीं आपको ऑलमोस्ट फोन्स में गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, एंड फिंगरप्रिंट सेंसर्स एंड सिक्योरिटी के लिए आपको फेस आईडी तो सब में दी हुई है। सो गाइज ये थे बेस्ट स्मार्टफोन्स मेरे हिसाब से अंडर 20,000। अगर आपके हिसाब से कोई स्मार्टफोन अंडर 20,000 बेस्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए गाइज बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज दिस इज़ दीपांशु बहल, जय हिंद।